हेलो नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो आज का जो आर्टिकल है, सबसे पहला वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आधार कार्ड से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इस आर्टिकल में मेनली आधार कार्ड के इश्यू को डिस्कस किया है, इसी के साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था उसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पे किया गया। तो राइटर उसको क्रिटिसाइज वगैरह थोड़ा कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे ताकि जो एग्जाम में हम यूज है वो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेट पावर के, सेपरेट फ्रीडम के सारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड है होंगे। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी हुई है पुट्टास्वामी जजमेंट। आपको पुट्टास्वामी जजमेंट से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है घोषित किया था, और नौ सदस्यों की बेंच थी। तो नौ जजों की बेंच थी जिसने ये कहा था कि भाई राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये आप यूपीएससी से पूछ भी सकती है कि पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो बात आती है कि अभी है क्या इश्यू, क्या सारा क्यों आर्टिकल आया। आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया था। आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि अभी आपके पास वगैरह सभी के पास मैसेज वगैरह आ रहे थे कि भाई आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, या फिर जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को भी आपको आधार से लिंक करवाना है उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च वो दी जा रही थी। मतलब डेडलाइन थी वो 31 मार्च है, जगह जगह शो की जा रही थी। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो डेडलाइन है वो आप हटाओ, क्योंकि जब तक हम आपके जो आधार कार्ड के जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका डिसीजन नहीं दे देते तब तक आप डेडलाइन है वो नहीं दे सकते, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा। तो राइटर इस डिसीजन को तो अच्छा मान रहे हैं कि हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो मनमानी थी उसको कहीं ना कहीं लगाम दी है। बट इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिंग और थे इसी के साथ, वो ये बोला कि भाई आधार कार्ड का तो सेक्शन 7 है ना, वो ये कहता है कि आधार कार्ड को आप लिमिटेड यूज़ हो कर सकते हो, मतलब कुछ एरिया में आप यूज़ है इसका कर सकते हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अनुमति है वो दे दी। मतलब सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप सेक्शन 7 के तहत जो कुछ एरिया में सब्सिडी वगैरह हुई या फिर फाइनेंशियल सर्विस है उस मामलों में आप आधार कार्ड का यूज़ है वो लिमिटेड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको सामने क्या देखनी, एक चीज़ ये सामने आई है हमारे कि भाई एक साइड तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मेरा वर्डिक्ट नहीं आता फाइनल, जब तक जो पेंडिंग केस है आधार कार्ड से रिलेटेड उनका निर्णय नहीं आता तब तक आप आधार कार्ड को कंपलसरी वो नहीं कर सकते। वहीं दूसरी साइड क्या कहा कि कुछ एरिया में आप अलाव वो कर सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं मन में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट को जो मतलब आधा वर्डिक्ट है उसको कहीं ना कहीं आगे पीछे करने की कोशिश है वो की है। तो राइटर इस सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार पहले जब जजमेंट दी थी राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में मतलब लोगों का फेवर किया था, और अब देखा जाए तो लोगों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे काम करे। तो इस बात के लिए राइटर इसको क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे पूरा मुद्दा सीन क्या है और क्या इसके लिए सोल्यूशंस वगैरह वो देखेंगे। देखो बात एक चीज़ तो मैं याद रखना है पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो अच्छे से याद रखना कि भाई राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया था। इसके बाद में एक बात ये थी कि वेलफेयर स्टेट की जो बात होते हैं ना वो आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक तरह कहा था कि भाई वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होने के नाते आधार कार्ड को कंपलसरी, आधार कार्ड को एक्चुअली जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए बाध्य करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई देखो हम एक वेलफेयर स्टेट की जो डिमांड है वो फुलफिल करना चाहते हैं, अभी हमारा देश है वो विकसित नहीं है। तो विकसित नहीं है तो इसलिए क्या कि हमें लोगों को फाइनेंशियल सर्विस भी देनी होती है, हमें लोगों को सब्सिडी भी देनी होती है, और हमें लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं इनके लिए अगर हम आधार कार्ड का यूज़ करेंगे तो जो एक तरीके से जो ब्लैक आप ये बोल सकते हो कि जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगेगी, और जो भी लीकेज होता है सब्सिडी उस पर भी लगाम है वो लगाई जा सकेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था आपको ध्यान है कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो सब लोग समान हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी सबके लिए ही अलाउ है वो होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की बात को मना किया था उस टाइम पे, और वहीं आज देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट हो गवर्नमेंट की बात में हामियाँ मिला रहा है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने एक बात और कही थी कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको फूड की जरूरत होती है, उनको प्राइवेसी वगैरह की चीज़ों से अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश में काफ़ी ऐसे लोग गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए प्राइवेसी का कोई मतलब वो नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्राइवेसी तो प्राइवेसी होती है, जो आदमी जन्मता है उसके लिए कुछ चीज़ें तो प्राइवेसी होती हैं, तो वो चाहे गरीब हो या अमीर हो उसमें कोई डिफरेंस भेदभाव वो नहीं किया जा सकता। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ क्लियर की थी पहले जो राइट टू प्राइवेसी वाला आर्टिकल केस था उसमें कि भाई बात सीधी सीधी यही है कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट होगा, चाहे गरीब हो या अमीर उससे कोई लिंक इस चीज़ का नहीं है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है दूसरे को इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या फिर जो पीडीएस की चीज़ें हैं या फिर पेंशनस हैं या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी है या फिर मेटरनिटी बेनिफिट्स हैं, इन सब मामलों में अगर आधार कार्ड को कंपलसरी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है उसकी हाँ में हाँ सुप्रीम कोर्ट मिलाता जा रहा है। क्योंकि देखो बात ऐसी है, हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं पीछे कि भाई कई बार आधार कार्ड की वजह से क्या कि लोगों को खाना नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की जानें भी चली गई हैं
इवन हमने झारखंड का केस वो भी डिस्कस किया था। तो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि देखो अभी हमारे देश में इतना माहौल तैयार नहीं है कि अगर आधार कार्ड को अगर कंपलसरी करके काम हो किया जाए तो काम एक तरीके से सही ढंग से हो सकता है। देखो हाँ वो बात बिल्कुल सही है कि लीकेज हो रहा है सब्सिडी में, बट उसका दूसरा सोल्यूशन भी तो हो सकता है ना। अब आप ये मान के देखिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि आधार कार्ड को वेरीफाई करना है तो आपको पता है कि इंटरनेट की जरूरत होती है। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं रूरल एरिया में जहाँ पे क्या इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं होती है और वहाँ पे कई बार इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको पता है कि वो जो भी पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो क्या करेंगे, सामान वो नहीं प्रोडक्ट सामान है वो नहीं देंगे जो भी कस्टमर्स है उनको। तो उस कंडीशन में नुकसान सबसे बड़ा होगा क्योंकि कस्टमर को काफ़ी दिक्कत होगी। देखो पहले सीन ही होता था कस्टमर दुकान पर जाता था अपना राशन पानी जो भी लिया लिया और घर पर आ गया, सीन ऐसा था कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। बट अभी अगर आप देखो कि बाई चांस किसी दिन सर्वर डाउन है तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया सर्वर डाउन आप कल आइए, तो आप बताइए जिस इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो एक दिन वेट करके क्या करेगा, तो एक दिन तो उसे खाना नहीं मिला ना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन तो हो रहा ना। तो इसी बात को लेकर आधार को क्रिटिसाइज क्या जा रहा है कि भाई कभी हो सकता है कि पीडीएस वगैरह में फिर पेंशन वगैरह में आधार कार्ड नहीं काम करो उस कंडीशन में, और ऐसा होता भी है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप ये थोड़ी बोल सकते हो कस्टमर को कि नहीं जनता को कि भैया आप एक दिन रुको अगले दिन हम आपको देंगे जब इंटरनेट काम चलेगा तभी। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, इसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन है दूसरा विकल्प है उस पर फोकस है वो करना चाहिए। तो ये बात राइटर के द्वारा यहाँ पे कही जाती है। इसके बाद में बात की आती है कि देखो सिटीजन है जनता है ना उसको गवर्नमेंट के दया पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी ऑब्वियसली मनमर्जी करेगी, जो फंडामेंटल राइट है वो आपको खुद को भी पता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं हमें, ताकि हम लोग हैं अगर स्टेट की जो मनमर्जी है उसके ऊपर लगाम वो लगाया जा सके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा राइट दे देंगे तो वो अपनी मनमर्जी वो करने लग जाएगी, इसलिए हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हुए सिटीजन के राइट बनता है कि भाई वो जो उसकी बेसिक फैसिलिटी हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड उसे की जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में सारा पॉइंट सामने आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। इसी के साथ एक नया पॉइंट आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हम हमारे जो नेता वगैरह एमपी एमएलए या पॉलिटिशियन उनको हम इलेक्ट करते हैं फिर आगे हम उनको भेजते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर मतलब एमपी एमएलए जो भी हम उनको बनाते हैं। बट यहाँ बात ऐसी कि अगर वो हमारी मांगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो मतलब क्या है, आपस में कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने नेता को क्यों इलेक्ट किया कि भाई वो ताकि हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग काम हो करें, बट अगर नेता लोग हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करें तो इसका मतलब क्या है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट या जो बातचीत हमारी हुई थी उस बातचीत पर काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक हो रहा है, तो इससे लोगों का ट्रस्ट है वो भी कम होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अराजकता है वो फैला सकता है। तो ये बात राइटर के द्वारा यहाँ पे की जाती है लास्ट में कि भाई आधार कार्ड को कंपलसरी करना कोई बुरी बात नहीं है, बट कंपलसरी करो तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन है उस पर भी फोकस करो आप। ऐसा नहीं हो कि लोगों को जो उनकी बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे आप वंचित नहीं कर सकते। लोगों की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है, चाहे गरीब या प्राइवेसी के मामले में आप गरीब या अमीर को नहीं देख सकते कि भाई ये आदमी गरीब है और ये अमीर है, तो गरीब आदमी को प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं, उसको तो खाना दे दो बस बहुत है, प्राइवेसी तो सबके लिए प्राइवेसी होती है। तो ये बात सारे पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते हैं। तो इस आर्टिकल के जो कंप्लीट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और पीछे के जो आर्टिकल थे उसके भी दो चार पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए ताकि हमारे सारी जो स्टोरी है वो हम यहाँ पे समझ में आ गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है मेनली वाटर इश्यू और वाटर सिक्योरिटी के बारे में। तो देखते हैं, देखो कंटेक्स्ट ऐसा है कि अभी वाटर क्राइसिस है वो लगातार ऐसी बात नहीं कि इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वाटर की समस्या वो बनती जा रही है। वर्ल्ड वाटर डे वो होता है 22 मार्च को, तो हम लोग कल है वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में इस आर्टिकल में पॉइंट्स हैं वो सामने आए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है, इसमें इस सबसे पहले तो इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एजेंडा है ना जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है, इनके ऊपर में ध्यान पूरा काम करना है, और मतलब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उस पर हमें फोकस करते हुए वाटर के ऊपर ध्यान है वो रखना है। ये सारी तो आई है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं, जैसे कुछ बातें सामने आई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज पूरे विश्व में समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, और जो वाटर की समस्याएं हैं ना वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। देखो बात ऐसे कि डेवलप कंट्री के पास क्या होता है, टेक्नोलॉजी खूब होती है, पैसा भी खूब होता है, अंधाधुंध उनके पास पैसा होता है, तो वो क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं पानी के दूसरे ऑप्शन से उनको अरेंज कर लेती हैं, जैसे कि जो वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपर ढंग से रिसाइकल करना ताकि उसमें कोई भी कमी वगैरह ना हो, इसके साथ ही जो ओशंस का वाटर है उसको रिसाइकल कर लेना, तो वो कहीं ना कहीं अपना विकल्प है उनको अरेंज कर लेती हैं डेवलप कंट्री। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, एक तो बेचारों की इकोनॉमी बढ़ रही होती है, फंड तो उनके पास वैसे ही कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो अपने जो पॉपुलेशन भी बढ़ रही होती है तो एक तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर फंड को मैनेज करें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना है वो करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात तो है कि उनके पास फंड ही नहीं होता है, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी भाव होता है ना ही टेक्नोलॉजी होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री वो क्या करती हैं, पानी को प्रॉपर ढंग से एक तरीके से रिसाइकल वो नहीं कर पाती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर अगर पानी ऑलरेडी कम है तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि देखो आप पानी को अगर आप रिसाइकल तो कर नहीं रहे हो और हमेशा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो या फिर रिवर वगैरह का पानी यूज़ करो तो कहीं ना कहीं वो पानी तो खत्म होने वाला है,
तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो यहाँ पे राइटर वो ये बता रहे हैं कि देखो पोल्यूशन की समस्या है आज पूरे विश्व में बनी हुई है। यूँ देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब है। डेवलप कंट्री की वजह देखा जाए तो एशिया और अफ्रीका में आपको पता है कि मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस वाले एरिया में वाटर की समस्या और ज़्यादा गंभीर आती जा रही है। हमने देखा था कि केप टाउन में किस तरीके से पानी की समस्या वो गंभीर आ रही है, वहाँ पर जीरो वाटर डे के रूप में भी मनाए जाने की इस बात की बात है कि वहाँ पर इस बार अप्रैल तक पानी है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में बात कह रही है कि वाटर की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है उस पर भी आजकल काफ़ी हो रहा है, इसकी वजह से लोग बारिश के ऊपर भी निर्भर है वो नहीं रह सकते क्योंकि बारिश का आपको पता है कभी होती है कभी नहीं होती, तो लोग बारिश के पानी पे भी निर्भर होना काफ़ी बेवकूफ़ी भरा काम आज के टाइम पे। और देखा जाए तो जो ग्लोबल वाटर साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं आजकल इनरेगुलर हो गया, मतलब बात सीधी सी यही है कि पानी का आजकल कोई भरोसा नहीं है कब क्या है। तो इसीलिए बात यह कि मैं रिसर्च टेक्नोलॉजी और फंड की एक अर्जेंट नीड है डेवलपिंग कंट्री को, ताकि जो पानी की समस्या है उससे समाधान है उससे निपटा है वो जा सके। फिर एक डाटा सामने ये आता है कि भाई देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 3.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साल के एक महीने में वाटर क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, और यही समस्या है वो आगे आने वाले कुछ टाइम में समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, और यहाँ पे जो 3.6 बिलियन की संख्या है कहीं ना कहीं 4.6 बिलियन के पास पहुँच जाएगी। तो मतलब बात साफ ये एक चीज़ इतने सारे डाटा से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और दिन प्रतिदिन समस्या कम नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ रही है क्योंकि पानी की ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ देखा जाए तो आज के टाइम पे से कुछ मुद्दे क्या हैं, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला मुद्दा भी सामने आता है कि दो स्टेटों के बीच में पानी का बड़ा विवाद चल रहा होता है। इवन ये आप इंडिया में भी देख सकते हो, किस तरीके से पंजाब हरियाणा में देख सकते हो, या फिर साउथ में आप देख सकते हो कि वहाँ पर तमिलनाडु केरला कर्नाटक में देख सकते हो, आंध्र प्रदेश के बीच में भी देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में किस तरीके से महानदी रिवर का डिस्प्यूट है वो चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के बात ऐसे कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखो किसानों को भी पानी की जरूरत होती है, इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी पानी की जरूरत होती है, तो मतलब पानी तो चाहिए सबको जबकि पानी की सप्लाई हो रही है कम, तो इसलिए सब क्या करते हैं अपने अपने हक जमाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये रिवर हमारे एरिया से जाती है तो ये पानी हमें मिलना चाहिए। तो वो सारे मुद्दे यहाँ पे सामने आती हैं। और एक डाटा सामने आता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का इफेक्ट आ रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में वाटर पोल्यूशन की समस्या और ज़्यादा गंभीर होती है, जैसे कि सीवरेज का पानी होता है या फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या होता है वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो 80% जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, जो कि सीवरेज वगैरह का जो भी पानी होता है, इस पानी को ट्रीट ही नहीं किया जाता, इस पानी को यो ही रिवर वगैरह में बहा दिया जाता है और फिर उससे हमारे देश की नदियाँ वगैरह वो सब गंदी वो हो जाती हैं। ये मेनली आप डाटा इंडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो इस चीज़ के बारे में कि भाई आप गंगा का एग्जाम्पल ले सकते हो। मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भाई गंगा रिवर के ऊपर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, इससे अच्छा तो गंगा रिवर के अंदर जो भी कचरा वगैरह डाला उसको क्यों नहीं रोक देती। अगर कचरा डालने रोक देगी गवर्नमेंट, उस पर लगाम लगा देगी तो फिर नदी को साफ़ करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप साफ हो जाएगी। ये थोड़ी कि भाई ग्लेशियर से पानी गंदा आ रहा है, तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है वो बात नहीं है, बट प्रॉपर ढंग से खर्च नहीं कर रही है। तो यही बात यहाँ पे राइटर वो कह रहे हैं कि भाई जो रिवर है वो भी पोल्यूटेड होती जा रही है, आप रिवर में एक साइड तो कचरा डाल रहे हो एक साइड आप कचरा निकाल रहे हो, तो इसका मतलब तो आप तो बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो, तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस है वो करना चाहिए। 80% देखा जाए तो हमारे देश में ऐसा पानी है जो कि गंदा पानी है जिसको आप ट्रीट ही नहीं करते, मतलब वो नदियों मगाव में बहा दिया जाता है और फिर वो ओशंस में जाके मिल जाता है, और मतलब क्या है कि वो पोल्यूशन और ज़्यादा फैलाता रहता है, रिवर पोल्यूटेड को और ज़्यादा गंदा वो कर देता है। तो इसलिए हमें जो वाटर ट्रीटमेंट है इसके ऊपर भी फोकस है वो करना चाहिए। अब देखो हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली बहुत सारी, अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। भाई सॉल्यूशंस की बात ऐसी आती है कि सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर उस पर फोकस करना चाहिए, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फसल बोनी चाहिए, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फसल बोनी चाहिए। मतलब जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, जैसा क्लाइमेट है, जैसा वहाँ की नीड एरिया के अकॉर्डिंग कि भाई इस वाले एरिया में इस फसल की डिमांड भी है और इस पानी भी यहाँ के लिए सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फसल बोनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ एरिया में पानी कम होता है उसके बावजूद, जैसे आप देख सकते हो महाराष्ट्र के कुछ एरिया में पानी कम होता है उसके बावजूद भी वहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है, जबकि गन्ने की खेती के लिए पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी बड़ा स्टेप है। तो वो क्यों कहते हैं लोग, देखो किसान क्या करते हैं कई बार की ज़्यादा लालच करते हैं कि यार चलो हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाए। इसके पीछे ऐसी बात नहीं कि किसान को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट किसानों को एक तरह से कुछ इंटेंसिव वगैरह दें कि भाई आप अगर सस्ती मतलब थोड़ी हल्की फसल बोलो यहाँ पे हम आपको कुछ इंटेंसिव मुआवजा वगैरह देते थे ताकि आपको इस समस्या से गुजरना ना पड़े। इसके बाद में बात आती है कि वाटर शेड सिस्टम को भी हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब जो भी रिवर वगैरह का जो पानी आता है जैसे बारिश के टाइम पे नदी नालों वगैरह का, उस पानी को हमें प्रॉपर ढंग से यूज़ हो करना चाहिए ताकि उसका मिसमैच है वो ना हो। इसके बाद में बात ये आती है कि वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको हमें ट्रीट करके यूज़ करना चाहिए और उसको भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग उसको यूज ही ना कर सकें, कॉस्ट इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट है उसके ऊपर हमें फोकस है वो करना होगा। इसके बाद में बात ये आती है कि सिटी को प्लांट बसाना होगा।
अभी देखो क्या कि आज के टाइम पे सिटी वो अंधाधुंध ऐसे बढ़ रही होती हैं, जैसे कि सिटी प्रॉपर वे में नहीं बनती है। जैसे चंडीगढ़ सिटी है उसको तो प्रॉपर वे में बनाया गया कि भाई ऐसे सिटी है, इसमें ऐसे ऐसे रोड वगैरह हैं, इस तरीके से कॉलोनी वगैरह बनेंगी। बट आप दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हो, दिल्ली किस तरीके से इनरेगुलर वगैरह फैल रही है इधर उधर उधर उधर, तो इसका नुकसान क्या होता है कि इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसी वगैरह नहीं बना सकती, कि गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई इस वाले एरिया में क्या है, इस वाले एरिया में क्या, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना है वो करना पड़ता है। इसके बाद में बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका 6ठा टारगेट क्या है, वो है वाटर के बारे में, कि वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और उसके लिए हमें क्लीन वाटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। और क्लीन वाटर कब मिलेगा, जब हम ग्राउंड वाटर को कम यूज़ करेंगे और जो भी पानी हमारे पास है उसको हम प्रॉपर ढंग से यूज़ करें। और मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप पानी को प्रॉपर ढंग से यूज़ करें, ऐसा नहीं कि पानी को वेस्ट में बहाएं। तो ये था जो कंप्लीट आर्टिकल और जिसके जो पॉइंट्स थे हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है फेक न्यूज़ के बारे में, इसमें दो तीन पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। सबसे पहली बात यह कि देखो आज के टाइम पे फेक न्यूज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और फेक न्यूज़ है ना वो आग से भी तेज़ फैलती हैं, ये डाटा भी यहाँ सामने आया। सबसे पहली बात यह था कि फेक न्यूज़ का मामला सबसे ज़्यादा उठने आया वो है US के इलेक्शन में, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने रशिया से हेल्प ली थी, काफ़ी सारी मतलब फेक न्यूज़ वहाँ पर यूज़ वो की गई थी और US इलेक्शन में इसका भारी रिजल्ट है वो भी देखा गया था। अब देखो एक चीज़ सामने है कि फेक न्यूज़ है ना एक तो बहुत जल्दी फैलती हैं, मतलब उनकी स्पीड बहुत तेज़ी से फैलने की, लोग उसको बिना कुछ सोचे समझे शेयर है वो करते रहते हैं। इसके बाद में उनको उसका जो शेयर करने का एरिया वो भी काफ़ी बड़ा होता है। न्यूज़ है वो आज यहाँ पे 1 घंटे पहले न्यूज़ फैलना शुरू हुई, 2 घंटे में तो पूरे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूज़ है वो फैल जाती है। इसके साथ ही न्यूज़ काफ़ी लोगों की भावनाओं को भी सेंटीमेंट्स वगैरह के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसकी वजह से भी लोग उसको क्या करते हैं फोकस करते हुए शेयर वगैरह कर देते हैं। तो देखो इसके बाद में राइटर को सुझाव ये दे रहे हैं कि हमें फेक न्यूज़ वगैरह जो भी न्यूज़ होती है, देखो कई बार क्या होता है फेक न्यूज़ में आएंगे हमारे सेंटीमेंट्स को जुड़ी होती हैं, जैसे कि कई बार तो धर्म को लेकर जुड़ी होती हैं, कई बार कोई भी ऐसी डिजीज़ वगैरह को लेकर जुड़ा दी जाती हैं, तो मतलब क्या कि लोग उनको देखते हैं और फिर तुरंत इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस न्यूज़ को शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे, और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम न्यूज़ें वो फेक न्यूज़ ही होती हैं। आज के टाइम पर देखा जाए तो 100 में से 99% जो न्यूज़ हैं वो फेक ही होती हैं। तो अब ये भी रिजल्ट सामने आया कि भाई इतनी सारी फेक न्यूज़ होती हैं उसके बाद भी लोग इनको क्यों शेयर करते हैं। लोग इनको शेयर इसीलिए करते हैं कि लोगों के सेंटीमेंट्स वगैरह जुड़े होते हैं, कई बार धर्म का मामला आ जाता है, कई बार देश का मामला आता है, और कई बार कुछ पर्सनल इश्यूज़ वगैरह की वजह से भावनाओं को इधर उधर है वो फैलाया जाता है। तो ये बात सामने आ रही है, इसका हम सुझाव राइटर के द्वारा ये दिए जा रहे हैं कि देखो भाई जो भी न्यूज़ होती है ना, आप चाहे कहीं भी व्हाट्सएप पे देखो या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी फेसबुक वगैरह पे, उस न्यूज़ को आपको लगता है कि ये न्यूज़ है तो आप उसको सबसे पहले तो क्रॉस चेक करो कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, उसके बाद ही उसको शेयर किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने न्यूज़ देखी और उसको आंख बंद करके शेयर कर दिया सभी ग्रुप वगैरह में, सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करो कि भाई ये न्यूज़ सही है या नहीं है, कि उसके बारे में आप जैसे वो जो भी न्यूज़ है तो उस न्यूज़ के बारे में आप गूगल पे जाकर सर्च करो कि भाई ये न्यूज़ सही है या नहीं गलत, तब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कोई ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ है या नहीं है। जैसे कोई भी न्यूज़ वगैरह कई बार इधर अनाप शनाप की न्यूज़ें होती हैं तो उनको आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि भाई ये किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आई है या फिर किसी टीवी वगैरह में कैसे, तो उसको आप वेरीफाई कर लो उसके बाद आप उसे शेयर कीजिए। और देखो सेंटीमेंट्स वगैरह पे हमें थोड़ा कंट्रोल वो करना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि जो इस तरह की भावनाएं हैं वो ज़्यादा फैल जाती हैं तो उसका काफ़ी भारी बड़ा नुकसान है वो सामने भुगतना पड़ता है। देखो फेक न्यूज़ की वजह से ही अभी जो श्रीलंका में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें भी फेक न्यूज़ का कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रोल था, तो इसलिए फेक न्यूज़ पे हमें लगाम वो लगानी चाहिए। हमें जो भी न्यूज़ होती है, जो भी हमारे सामने कोई अपडेट आता है, उसको हमें वेरीफाई करके क्रॉस चेक करना चाहिए और तभी हमें उसे शेयर है वो करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।